नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। पप्पू यादव ने जेल जाने से पहले ही कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे पीछे लोगों की मदद का सिलसिला ना रुके, और उनके कहे एक एक लफ्ज को जाप के कार्यकर्ता मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। आज पप्पू यादव जेल में हैं, लेकिन उनके पीछे उनके द्वारा चलाए गए राहत कार्य अभी भी वैसे ही जारी है। रोज की तरह आज भी कोरोना पीड़ित मरीजों के परिजनों की सहायता के लिए अस्पताल दर अस्पताल भोजन भेजा जा रहा है। पटना के हर एक अस्पताल में जाप सेवा दल के लोगों द्वारा अनवरत कोविड मरीजों और उनके परिजनों के लिए खाना लगातार तैयार किया जा रहा है तथा अस्पतालों में बांटा जा रहा है। जाप के जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद राय ने कहा कि भले ही नीतीश सरकार ने हमारे मुखिया को फंसा कर जेल भेज दिया, लेकिन उनके द्वारा चलाए गए राहत कार्य आज भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चला करते थे। तारीख से पटना जिला के हर अस्पतालों में जरूरतमंद लोगों के बीच यह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार लगातार यह लंगर जो है चालू है। कब तक चलेगा? 11 तारीख के यह जुल्मी सरकार जो अपने जुल्म जो अपने सही मायने में उनके दिखाने आईना दिखाने के बावजूद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद उनके बाद भी उनके आदेशानुसार यह लंगर लगातार अनवरत जब तक लॉकडाउन है, जब तक गरीबों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो, जब तक यह लगातार लंगर जो है चालू रहेगा। ये भोजन कहाँ कहाँ भेजवाते हैं आप लोग? भोजन गांधी मैदान, PMCH अस्पताल, NMCH अस्पताल, बस स्टैंड, IGMS, एम्स, मतलब तमाम जगह पे। यहाँ भी लोग आते हैं बहुत जगह, जो लोग जो भोजन के निवाला जो नहीं कमा पाते हैं, जो भूखे रहते हैं, यहाँ से भी भोजन लोग जरूरतमंद लोग जो है ले जाते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। जी, सच्चिदानंद यादव, पटना जिला अध्यक्ष।